यमुना तट पर सांप का खेल दिखाने वाला लेकिन मैडम अल्लाह को नहीं आपके जवान मालिक का वही काम करेगा। और अभी मेरे माता बहन भैया आप लोगों को सांप दिखाया है, नाग नहीं दिखाया। और देखो नाग तो उसी को कहते हैं जिसके फल होता है, और ये सांप दिखाया इसको कर दो भैया बंद, बारिश का समय लिए पहले आपको नाग दिखा दूं, फिर देखो 120 साल पुराना नाग, 120 साल पुराना नाग दिखाया जाएगा। देखो जी इस वाली पेटी से दिखाई जाएगा। और अब देखो ना भैया ये नाग, और इसी को कह दे ये तो दिखाया था सांप, और अब देख लो आप नाग। लेकिन आप लोग ये कहोगे कि ना तो सपेरे योगी लोगों एक बात हमें ये बताओ कि जब 120 साल पुराना नाग दिखाओगे तो ये कौन सी जाति का दिखाओगे? कसम शंकर भगवान की नाग में भू दिखाऊंगा जिस नाग की उम्र 120 साल पुरानी हो चुकी है। आप लोग ये कहोगे 120 साल पुराना नाग कैसे जाना जाता है? तो 100 साल के बाद ध्यान देना भैया, 100 साल के बाद नाग के मकसद पर बाल आने आते, 250 साल के बाद और ये नाग अपना रंग चेंज कर लेता, 500 साल के बाद मर्दारी बनकर 1000 साल की उम्र पा लेता तो नाग इच्छाधारी बन जाए। कसम से वही नाग दिखाऊंगा देखो इस वाली पेटी से। लेकिन पहले नाग इस वाली पेटी से, ये नाग हमारे तुम्हारे जंगल का सबसे जहरीला और सबसे खतरनाक नाग है। खड़े हो जाओ नाग, खड़े हो जाओ। ज्ञान दिया हाथ जोड़ के नमस्कार करना, क्योंकि नमस्कार करने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, ये शंकर भगवान के गण है। पर भैया से सुनो भैया, आप लोग ये कहोगे ये नाग है देव है और सबको जानते हैं सबको पहचानते हैं, लेकिन हम लोग इनकी पूजा करते हैं मान्यता करते हैं, लेकिन ये इंसान को ये काट लेते हैं। तो देखो मेरी माता बहन भैया ये बात सब गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ऐसे नाग, मुझे आप ये बताओ किसी वेद शास्त्र में ये लिखा है कि ऐसे नागों ने किसी को तोड़कर भागकर काटा हो? नहीं काटा। देखो तोड़कर भागकर किसी को नहीं काटता, ये नाग उसे काटता है जो इस नाग का दोषी और अपराधी हो जाता है। आप लोग ये कहोगे अगर दोषी अपराधी कौन सा हो जाता है? तो देखो जी दोषी अपराधी ऐसा हो जाता है जैसे कि ऐसे नाग ने हमें चलते रास्ते में घर में मकान में दुकान में दर्शन दिया। क्या किया? केवल दर्शन दिया। और हम लोगों ने क्या काम किया? चार पड़ोसियों को बुला लिया, नाग को मारना स्टार्ट कर दिया। और किसी कहने वाले ने ये कहा कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बाबूजी बांसुरी, नाग मर गया इंसान का पीछा छूट जाएगा। और किसी कहने वाले ने फिर ये भी तो कहा कि मानने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। नाग शरीर पे चोट खाया जंगल में रवाना हो जाएगा तो वही इंसान इसका दोषी दुश्मन अपराधी बन जाता है। फिर ये वो इंसान भागे किसी कोने में चले जाए, ये नाग उसे छुपने नहीं देता है, 12-12-24 साल तक उसका पीछा करेगा और इस तरीके से पकड़ेगा। अगर नाग को रहम आ गया छोड़ दिया, कसम शंकर भगवान के इंसान को कुछ नहीं होगा। अगर नाग को रहम नहीं आए ऐसे पकड़े ऐसे पलटी खा जाए तो लाख रुपए के जीवन को 2 मिनट में मिट्टी में आजाद कर देता है। माने तो देवता और ना माने तो फिर मौत की फरिश्ता, तो इसे तो कर दे बंद। और अब देखो 120 साल पुराना नाग। अब देख लो भैया 120 साल पुराना नाग ऑटोमेटिक जाम मड़ो अभी तुमने देखो ना भैया आ आते जा रहे हैं। अब देख लो दूसरे वाला दिखाऊंगा मैं और अब देख लो यहाँ से ये 120 साल पुराना नाग, आप लोग ये कहोगे और इस नाग को मेरे पास 4 साल और कुछ दिन होने के लिए जा रहे, क्योंकि मैं 3 साल से पर डे हमेशा 3 साल से ये मेरा प्रोग्राम चलता है। और ये नाग आप लोग ये कहोगे इतना तो कोई सपेरा सांप को रखता, लेकिन तुमने क्यों रखा? कुछ नाग में शक्ति और भक्ति देखी। शक्ति भक्ति क्या देखी जंगल की मैं नहीं बता सकता, लेकिन पेटी में आया हम लोग बता सकते हैं। हफ्ते में जब सोमवार का दिन आता है तो ये नाग खाना पीना छोड़ देता है,
नाबस परमाशी आती तो 12-12 24 घंटे अपनी आत्मा व्रत करता है, जैसे कि हम तुम व्रत करते हैं। और उससे बड़ा व्रत क्या करता है कि सावन के महीने में नागों की नाग पंचमी आती तो मावस से लेकर पंचमी तक कुछ खाता पीता नहीं। हमारे गुरु लोगों ने कहा था बेटा नाग ने सच्चे भगवान ने 11 साल का वादा कर दिया। आप लोग ये कहोगे कि ये नाग जब इतना धर्म का काम करता है किसी को कुछ मांगता भी है, मैं नाग पे हाथ रख के शंकर भगवान की तस्वीर साथ लगा के भैया जी झूठी बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मांगता है, देता है। देने को किसी को लॉटरी में सट्टा नहीं देता, ढका दबा माल नहीं बताता, एक 5 जवान गाड़ के दुआ देता है। देता किसको, जो मेरी माता बहन मेरे कहता है कस कमाते हैं 20 का खर्चा हो जाता है, बनते बनते काम में चुगल हो दुश्मन मर जाता है या बनते जगह काम निकल जाता है। इस नाग देवता से आके मिले कैसे, जैसे 2 कदम उठा के और भगवान के मंदिर में जाते अपने दिल का दुख सुनाते, भविष्य के बारे में एक बात सोचे, गलत बात नहीं सोचे, खाई कमाई के बारे में, धंधे व्यापार के बारे में, रोजी रोजगार के, बेटी बेटी के बारे में। और आज इस नाग देवता से आके मिले कैसे, एक 11 अगरबत्ती निकाले, अमीर से अमीर आदमी 11 अगरबत्ती 11 अगरबत्ती 11 अगरबत्ती, और ये नाग के आधा लीटर दूध के खर्चे में 21 रुपए गरीब से गरीब आदमी 5 अगरबत्ती 11 रुपया नाग देवता की पेटी में लाके चला दे, छोटा मोटा काम घर जाते जाते पूरा हो जाए और बड़े से बड़ा काम 12-24 घंटे में पूरा हो जाए। ना ऐसे नाग को ढूंढो ना ऐसे नाग को ढूंढना, तो तोला दूध 2 अगरबत्ती शिव के मंदिर में धान कर देना। यह नाग मैंने तुम्हारा प्रसाद बता दिया है, आज तेरा पर्दा खुलने से पहले कोई मेरी माता बहन या कोई मेरा भैया एक 11-21 रुपए से मांगता है और तेरा पहला सवाल 21 रुपए का कोई सवाल पूरा करता है, उसकी रोजी रोजगार में दुआ करना, धंधे व्यापार में दुआ करना, औलाद नहीं औलाद से इच्छा पूरी करना, बहन भाई से जोड़ी मिलाना, मेरे दुश्मन को फूक लगा के बदुआ लगाना, और जो खाली दर्शन करके जाता है मिट्टी का ढक्का तेरे पेट में लगा के जाता है वो जाने अपना काम, और नाग देवता तू जाने तेरा काम। तो बच्चे धर्मी आदमी के नाम के भैया दो हक की ताली बजा दो, जानना चाहते इतनी मनी के दिल में कौन सा मेरा सिक्का पुजारी, कौन सी मेरी माता बहन आया है जो अपनी जगह से ऊंचा डोड़ा के सकते हैं, लाखों कमाते लाखों गेट डंडे में लग जाते, खोल के दिखा दे एक महीने और पान खा के खोल के कौन दिखावा गया चला जाता है। जनाग इतने बड़े भक्तों के बीच में 3 भैया ने 10-10 रुपए से माना, एक मेरी माता ने तेरा नाग आधा लीटर दूध के खर्चे का सवाल पूरा किया 21 रुपए से माना। मानते हैं जिसे भोले बाबा ने दिया और तेरे लाख किया वो जरूर भी देगा, वो कभी नहीं देगा, जो हाथ से देता नहीं और मुंह से भगवान का भजन करता नहीं। इतनी बड़ी महफिल में नाग देवता दो भक्तों ने तेरे 21-21 रुपए का सवाल पूरा किया है, करते हैं ऐसे नहीं, वो कह देते हैं तस्वीर अपने हाथ से रख दो, नाग को तो वही देता है जिसे भोले बाबा ने दिया और तेरे लाख किया, वो कह देते हैं ना चिड़िया चोंच बल्ले गई और नदियां ना घाटे नीर, और धर्म करने से धन नहीं घटा कह गए दास कबीर। तो भैया जी शंकर भगवान ने भी किया था। जो नाग ऐसे नहीं, बहुत से भैया ये सोच रहे हैं कि नाग है भी या नहीं, ऐसे नहीं खड़े हो गए नाग, दर्शन दिए ज्ञान दिया है। ये देखो भैया ये नाग इतनी इतनी भक्तों के बीच में वो कह देती है नाग को तो वही मानता है जिसे भोले बाबा ने दिया और तेरे लाख किया। इतने भक्तों ने जाने नाग क्या सोचा और एक 21-21 रुपए से 10-10 रुपए से मारा है, क्या उसकी रोजी रोजगार में दुआ करना, धंधे व्यापार में दुआ करना, आज वैसे भी गुरुपूर्ण माँ का दिन है। वो कह देते हैं कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ लिया था ठेला और चमोने आके गिरा तो 5 रुपए की आए की ढीला, सत्य की जा रहे तो एक पाताल में भी हट गए। ऐसे ऐसे भक्तों के बीच में नाग को तो भरी देता है जिसे भोले बाबा ने दिया और 3 लाख गया। 1 महीने नाग 21 रुपए से और माना, मानते हैं इतनी इतनी बड़ी महफिल में ऐसे ऐसे मेरे भक्तों के बीच में दुआ है, ठेला नजर और देख नाग तुझे तो वही देता है जिसे भोले बाबा ने दिया और 3 लाख दिया। ऐसे नहीं खड़े होके जय हो नाग, खड़े होके डॉक्टर बुला के ये देखो भैया ये नाग है, धोखा देते हैं सबको जानते हैं और सबको पहचानते हैं, केवल एक भूलने से लाचार रहते हैं। और भी ऐसे ऐसे भक्तों के बीच में भोले बाबा सबकी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसे ऐसे भक्तों के बीच में नाग को तो भोले देता है जिसे भोले बाबा ने दिया और 3 लाख दिया, वो कभी नहीं देगा, ये हाथ से देता नहीं।